सत्यवाणी, विवाह से संबंधित विशेष परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज जो आप भूल गए, जिनके कारण कष्ट की प्राप्ति होती है। एक मासिक धर्म एमसी पीरियड वाली स्त्री के द्वारा मंडप में दुल्हन के पैरों को नहीं पूजना चाहिए। ऐसे में नियम यह है कि मासिक धर्म से कोई महिला है तो उसे शादी में शामिल ही नहीं होना चाहिए। यानी बिना बताए शादी समारोह में शामिल हो जाती है तो उसे कम से कम फेरे के पहले कन्या के पैरों को नहीं पूजना चाहिए और नहीं दान देना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म वाली स्त्री को दान देने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसा हो जाता है तो यह मानकर चलो कि उस दुल्हन की जिंदगी खराब हो जाती है, पति से लड़ाई झगड़ा करके अवश्य वह अपने माता पिता के यहां चली आवेगी। किसी अच्छे मुहूर्त में घर के चारों कोनों पर नींबू नारियल जमीन में गाड़ देना चाहिए, जिससे घर की सुरक्षा होती है। एक वर्ष में एक दरवाजे से दो शादी नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर में दोष उत्पन्न होता है और दोनों खुश नहीं रहेंगे। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि एक ही दरवाजा है जहां से दुल्हन की विदाई होती हो, और उसी दरवाजे से यदि दुल्हन को वापस लेकर के आते हैं दूसरे अपने बेटे के लिए, तो दोनों को कष्ट की उत्पत्ति होगी। एक वर्ष के अंतराल में एक दरवाजे से दो शादी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होती, किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होगी, कोई ना कोई विधवा अवश्य होगा, या कोई ना कोई वैधव्य को अवश्य प्राप्त होगा, या किसी के यहां बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। शादी के समय पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, कोई अनहोनी न घटे, इसके लिए मुख्य दरवाजे पर जहां से सभी व्यक्तियों का आना जाना हो, बारात आने वाली हो, वहां पर सात नारियल की माला बनाकर ऊपर की तरफ लटका देना चाहिए। बहुत अधिक किसी को डर लग रहा हो तो वहां पर श्री हनुमान जी की चौकी लगा देना चाहिए। मातृ पक्ष से पांचवी पीढ़ी तक और पितृ पक्ष से सातवीं पीढ़ी तक कन्या का संबंध नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती है। यदि किसी लड़की को कन्यादान के बिना घर में नहीं लाना चाहिए, भागकर विवाह नहीं करना चाहिए, जब तक कन्यादान उसके दान देने वाला माता पिता या सगे भाई बहन न हो, कन्यादान नहीं लगता है। कन्यादान के लिए देवता, कुल देवी और अग्नि देवता को साक्षी माना जाता है। मांगलिक लड़की की शादी मांगलिक लड़के से ही होना चाहिए। जब तक नारी न मिले शादी नहीं होना चाहिए। नारी दोष और भकुट दोष नहीं होना चाहिए, और यदि नारी दोष भकुट दोष होते हुए विवाह कर लिया तो आपकी वंश वृद्धि नहीं होगी, और यदि लड़का उत्पन्न हो गया तो उस लड़के की मृत्यु अवश्य होगी। माता पिता के सामने उस लड़के की मृत्यु होती है, चाहे किसी भी उम्र में हो, यह निश्चित है। इसीलिए नारी दोष और भकुट दोष हो तो विवाह बिल्कुल न करें। लड़के लड़कियों की शादी की एक उम्र होने पर कर दी जाती है। उनको एक दूसरे से बांध दिया जाता था। इसके पीछे का कारण यह था कि हमारे बुजुर्ग जानते थे कि एक उम्र के बाद प्रत्येक युवा को हम सफल साथी की आवश्यकता होती है, जिसके साथ वह बैठकर अपनी शारीरिक मानसिक भावनाएं बना सकते हैं। परंतु आजकल के माता पिता और अभिभावक इस बात को नहीं समझते हैं। वह बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगा रहते हैं और बड़ा आदमी बनाने के चक्कर में अपने पुत्र एवं पुत्री की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। विवाह के पहले लड़का और लड़की दोनों ही संभोग कर लेते हैं, और कहीं कहीं तो लिव इन रिलेशनशिप में रह करके अपनी वैवाहिक जिंदगी का आनंद भोगते हैं, और बाद में जो कष्ट की उत्पत्ति होती है वो कल्पना के बाहर की बात होती है। कई बार वो गर्भ गिरा लेते हैं और फिर बच्चे उत्पन्न ही नहीं होते हैं, और वही लड़के लड़की आगे बड़े होकर अपनी मर्जी से शादी करते हैं, चरित्रहीनता का कार्य कर बैठते हैं, और कुल देवता कुल देवी एवं पितृ दोष का शाप अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे को मारते हैं गर्भ के अंदर। यदि गर्भ ठहर गया है तो गोली दवाई के माध्यम से या ऑपरेशन के माध्यम से बच्चे को गर्भ के अंदर ही मरवा देते हैं, जिससे पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है, और पितृ दोष उस बच्चे को फिर कष्ट देना प्रारंभ कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं होना, बच्चे होने पर मर जाना, तलाक हो जाना, नीरस जीवन व्यतीत करना, बच्चे का सुख नहीं मिलना, या पति पत्नी के बीच पारिवारिक सुख का अभाव होना, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होना, अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, इस प्रकार के कष्टों को भुगतना पड़ता है। सोचे मेरे भाइयों बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, इस ओर विचार करें कि ऐसा क्यों होता है, और आप गलती करते हैं उसका कष्ट, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है।
यदि पहली पत्नी की मृत्यु कम उम्र में हो जाए या अकाल मृत्यु हो जाए या दुर्मरण हो जाए तो वह स्त्री दूसरी स्त्री को परेशान करती है, वह प्रेत बनकर कहर रहती है, उसको बंधन बनाकर दूसरी स्त्री के गले में डाला जाता है और दोनों को बहन मानकर दोनों साथ साथ रहती है। शरीर एक रहता है परंतु आत्मा दो रहती है, यह सत्य है। कई घरों में जिनके यहां पर जवान स्त्री की मृत्यु हुई हो, उसके पति के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई हो, तो पहली पत्नी दूसरी स्त्री के शरीर में आकर बोलती है और बात भी करती है। पहली पत्नी दूसरी पत्नी को मार कर ले जाने की बात करती है, घर में दूसरी पत्नी क्लेश करती है, पहली पत्नी दूसरी पत्नी के घर में बच्चे को भी नहीं आने देती है। यदि किसी विशेष सुरक्षा से बच्चा पैदा कर भी दिया गया हो तो पहली पत्नी जो मर चुकी है, जो आत्मा रूप में है, वह दूसरी पत्नी की मृत्यु करने की कोशिश करती है। इसलिए जब कोई भी पुरुष दूसरी स्त्री के विवाह करता है तो उसे बहुत ही पूजा पाठ करा करके पहले पत्नी जो मर चुकी है उसको मुक्ति दिलवा दे, फिर विवाह करे। और यदि ऐसी स्त्री जिसका पति मर चुका हो और यदि वह स्त्री दूसरे से विवाह करती हो, फेरे लेती हो, तो भी वो स्त्री जो विधवा है, जो दूसरा विवाह करने जा रही है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकती। क्यों? कि उसका कन्यादान उसके माता पिता के द्वारा जिसको दिया गया था उसकी मृत्यु हो गई है और वह अतृप्त आत्मा है, क्योंकि जवानी में मर चुका है। यदि वह स्त्री जो विधवा हो गई दूसरा विवाह करती है तो उसका पहला पति उसको अवश्य परेशान करता है, कभी भी किसी भी वक्त दुर्घटना कर सकता है, उसको बीमारी देने लगता है, उसके शरीर में रहकर के अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां उत्पन्न करता है। और जिससे उसका विवाह हुआ है, दूसरा विवाह हुआ है, उस आदमी उस मनुष्य को तरह तरह की कष्ट देने लगता है, उसके भाग्य को अवरोध कर देता है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है कि विधवा का विवाह नहीं करना चाहिए। तो विधवा का क्या किया जाए? तो कानून ये बोलता है कि विधवा का, किसी विधवा स्त्री का दोबारा से फेरे नहीं होते हैं, क्योंकि एक स्त्री का एक ही बार कन्यादान होता है। और यदि आपने एक बार कन्यादान दिया जा चुका है तो वह स्त्री पूर्ण रूप से भोग चुकी होती है, वह स्त्री बन चुकी होती है, वह कन्या नहीं होती है। स्त्री का दान हमारे शास्त्र में नहीं लिखा गया है, इसलिए दोबारा से उसका दान नहीं देना चाहिए। उसको किसी के साथ ऐसे ही रहने के लिए बिठा देना चाहिए, यानी कोर्ट मैरिज कर करके उसको पत्नी बना देना चाहिए उस व्यक्ति की, परंतु दोबारा से फेरे नहीं लेना चाहिए। और दोबारा से फेरे लेते हैं तो फिर वही समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि आपके यहां बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी, वंश वृद्धि आपके यहां पर नहीं होगी, तरह तरह के कष्ट की प्राप्ति होती है, आपके यहां के पैसे हमेशा खर्च होते रहते हैं, आपके यहां पर सुख चैन अमन और शांति नहीं होगी। इसलिए दूसरा विवाह करें तो बहुत ही सोच समझ करके विवाह करें, और विशेषकर दूसरी स्त्री से विवाह करते हो, जो दूसरी बार विवाह कर रही है ऐसी स्त्री से, तो फेरे बिल्कुल भी ना लें। और यदि किसी की कन्या है व किसी दुजवर को ब्याह रही है तो पहली पत्नी के बारे में अवश्य पूछें, अन्यथा आपकी लड़की का जीवन बर्बाद हो सकता है। अकाल मृत्यु जो सर्प के काटने से होती है, पानी में डूबने से होती है, बिजली की गिरने से मृत्यु होती है, शेर के मुख में जाने से मृत्यु होती है, पत्थर से गिर करके मृत्यु होती है, जिनका शव नहीं मिलता है, पानी में डूब जाता है, शस्त्राघात से मृत्यु होती है, उसे दुर्मरण कहते हैं। और ऐसा जिसका भी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा तड़पती है और वो उसी के साथ रहती है। यदि किसी आदमी की मृत्यु हुई तो वो अपनी विधवा स्त्री के साथ रहता है अदृश्य रूप से, और यदि स्त्री की मृत्यु हुई है तो वो अपने पहले पति के साथ में अदृश्य रूप से रहती है और दूसरा विवाह नहीं होने देती है। और यदि मनुष्य दूसरा विवाह करता है तो जिससे विवाह करता है उसको कष्ट अवश्य प्रदान करती है। जय मां का मख्या, जय मां का मख्या, जय मां का मख्या।